हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि माइक्रो कैप है, ओके, जिसका जो मार्केट कैपिटल है बड़ा छोटा मार्केट कैपिटल है, उससे बारे में बात करेंगे। और माइक्रो कैपिटल के बारे में मैंने ऑलवेज आपको बताया है कि इनका जो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये शेयर भागता है तो बहुत तेज भागता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देता है, बट अगर ये गिरता है तो उतनी ही स्पीड से ये गिरता है। और ये शेयर मैंने क्यों चूज़ किया है उसके पीछे कुछ रीज़न है, ओके। और ये अपने से 7 to 8 months, मतलब 9 months के मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे चल रहा है, तो शायद ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न, मतलब मोर देन 50% रिटर्न आने वाले कुछ टाइम में ही दे दे। और जैसे जैसे लॉकडाउन दुनिया खुल रही है, ओके, काम शुरू हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो आइए सीधे मैं आपको पहले एक बार रिटर्न्स के प्रोफाइल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो देखिए, वन डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए, 2.65% के रिटर्न, वन वीक का 10% के रिटर्न, वन मंथ में 1.62% के रिटर्न, और देखिए 3 months, 6 months, ईयर टिल डे, 2 साल, मतलब 2 साल से ये कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ओके। बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल में इस कंपनी ने कितने, लगभग 1321.88% के रिटर्न, आपको मोर देन 1000% के रिटर्न इस कंपनी ने आपको दिए। तो इसलिए ही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहली बात, और फिर माइक्रो कैप कंपनी तो भागती भी तेज है, तो जैसे कि भागेगी भी तेज, ऊपर की तरफ जाएगी और गिरेगी तो फिर नीचे की तरफ भी गिरेगी, उसी तरीके से है। तो इसलिए ये शेयर, इसका डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दिया है मैंने इससे रिलेटेड। बट कंपनी मुझे कुछ टाइम के लिए अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने आपको ये शेयर आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, लगभग 32.92% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, ओके। ज़्यादा नहीं है, कम है, बट कंटिन्यूसली यही इनकी है पिछले 2-3 साल से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर कुछ है नहीं इस कंपनी में, म्यूचुअल फंड नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, DIS नहीं है, बट कौन है, रिटेल इन्वेस्टमेंट, नॉन इंस्टीट्यूशंस है इसमें, मतलब रिटेल इन्वेस्टमेंटर कह देंगे कि 67.08% की हिस्सेदारी इनकी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ खास नहीं है, ओके। सीधे मैं एक बार कंपनी की तरफ आता हूँ कि कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कंपनी का नाम है कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करती क्या है वो, इसके बारे में हम बातें करेंगे। कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखिए 182 रुपीज़ का शेयर है, कुछ ज़्यादा इसकी कीमत भी नहीं है। और मैक्सिमम हम पहले वन डे का परफॉर्मेंस देख लीजिए, पॉजिटिव, 5 डेज का परफॉर्मेंस देख लीजिए, पॉजिटिव, 1 मंथ्स का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ये भी आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, 6 मंथ, और ईयर टिल डेट देख लीजिए। पहले मैक्सिमम दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे। तो देखिए 2016 में जो ये कंपनी लिस्ट हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही ये कंपनी आपको मिलेगी, NSE पे आपको मिलेगी नहीं। जब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 2016 में जब ये लिस्ट हुई थी तो केवल 3 रुपये का शेयर था, और 3 रुपये के शेयर ने आपको रिटर्न्स कितने दिए, 182 रुपीज़ का ये शेयर अभी चल रहा था, मतलब 1300-1400% जो मैंने आपको दिखाया है, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी भागती भी दे जाए तो देखिए ये 3 रुपये का शेयर, मतलब 2016 से लेके 2018 में के लास्ट में, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ये शेयर मतलब 425 रुपये तक पहुँच गया था। और अगर हम इधर की रिटर्न्स की बात की जाए कि कितना रिटर्न्स मिला, तो लगभग 13376.27% के रिटर्न्स, ओके, इस कंपनी ने मोर देन टू ईयर्स कह सकते हैं कि इस कंपनी ने प्रोवाइड किया आपको। बट कंटिन्यूसली इस पीरियड से ये कंपनी गिरते जा रही है, स्ट्रगल करती जा रही है, ओके। एंड जैसे ही ये इसने पंप अप लिया था, बट यहाँ पर फिर कोरोना वायरस आ गया, और कोरोना से अभी तक ये मार्केट सुधरी नहीं है, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा है तो जिस पर पूरा इफेक्ट पड़ा था। तो देखिए अब यहाँ बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोरोना से पहले ये कंपनी लगभग 319 पे काम कर रही थी, ओके, वॉलीटिलिटी तो है ही, बट कोरोना के बाद ये कंपनी गिरी 142, और इसी कंसोलिडेशन फेज पे, ओके, कितना, मतलब 40 रुपीज़ के आसपास ही एक शेयर अभी बढ़ा है। 52 वीक लो भी देखे तो 137 है, और 52 वीक हाई 334 रुपये का है। मार्केट कैपिटल और पी रेशो की हम बातें करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अभी इसी लेवल पर ये कंपनी चल रही है, ओके, और अभी इनका बिजनेस शुरू हो ही रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में
जो कि अभी प्राइस 182 है, तो आने वाले टाइम में ये यहाँ पर से अगर हम देखें, मैक्स देख लेते हैं पूरा का पूरा, तो लगभग 42% के रिटर्न्स, 42% के रिटर्न्स आपको अभी भी विद इन फ्यू मंथ्स मिल सकते हैं, और इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा अभी, तो वो भी हम बैलेंस शीट में देखेंगे। तो आपको 42% के रिटर्न्स विद इन फ्यू मंथ्स में आपको मिल सकते हैं, और माइक्रो कैप कंपनी ऑलरेडी बता दिया है कि भागती भी तेज़ है तो गिरती भी तेज़ है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कंपनी करती क्या है तो देखिए, यहाँ पर कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ हाई क्वालिटी सेफ एंड हाइजेनिक सी फूड, तो ये सी फूड में काम करती है। ओके, एंटीबायोटिक टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं इनके, वाइड रेंज ऑफ नेचुरल सोर्स एंड राइट प्रोसेस सीरम्स प्रोडक्ट है, और ये जो इनका सीरम्स प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ जाते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं यूएई में, ये एक्सपोर्ट करते हैं आपके कनाडा में, ये एक्सपोर्ट करते हैं रशिया में, चाइना में, कोरिया में, तो ये अपने प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स आपको, जैसे कि सी फूड है तो सी फूड में आपको पता ही होगा क्या होता है, तो ये सी फूड को यहाँ पर अपने यहाँ से इंडिया से अपनी कंपनी से एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि लॉकडाउन के दौरान ओके सारे एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम था ही नहीं, ना ही कोई चीज़ हमारे देश में आ सकती थी ना ही जा सकती थी, बट एज सुन एज जैसे ही खुलता जा रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड, ओके लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड, तो दोबारा शिपिंग की चीज़ें शुरू होगी और एक्सपोर्ट भी शुरू होगा, और एक्सपोर्ट शुरू होगा तो आपको पता है कि ये चीज़ें बाहर जाना दोबारा शुरू करेगी, और अच्छा खासा ग्रोथ इस कंपनी में हम आगे जाके देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये शेयर आपके लिए चूज़ किया है, क्योंकि सी फूड से रिलेटेड है, और सी फूड से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी स्टिमुलस पैकेज में शायद सी फूड्स के लिए भी कुछ इंसेंटिव दिया था, तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है ये कंपनी के लिए, और ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको विद इन फ्यू मंथ्स में प्रोवाइड कर सकती है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी ये कंपनी मुझे ठीक ठाक लगी, इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं है, तो इसलिए आप इस कंपनी की तरफ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट से रिलेटेड, देखिए 180 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है, कुछ ज़्यादा कैपिटल है नहीं, माइक्रो कैप कंपनी है, बड़ी छोटी कंपनी है, और पी रेशो देखिए अब केवल 6.41 का इसका पी रेशो है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आरओसी की बात की जाए कुछ खास नहीं है, बट ठीक है 20.7%, काफ़ी बुरा भी नहीं है तो काफ़ी अच्छा भी नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए प्रोज देखिए इसके, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब अपना कंपनी डेट कम करती जा रही है, बुक वैल्यू से 1.2 टाइम्स ये पे ये ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर देखिए CAGR, मतलब CAGR पिछले 5 साल से इसका CAGR कितना है, 28.18% का CAGR है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई 10 लाख रुपीज़ ओके इन्वेस्ट करता है फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, मतलब 30 साल के लिए 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 30% का अगर CAGR होता है, तो उसका 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बन जाता है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का CAGR आपको मिलता है, 30% का CAGR, मोर देन 30% का CAGR, तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ नज़र आती है, तो इसलिए इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो कंपनी एज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना, 3 ईयर्स का कितना, 33.32%। तो इस कंपनी की तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं, CAGR अच्छा है, पी रेशो कम है, प्राइस भी कम है, और यहाँ पर कुछ है जैसे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर कम है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। ओके, एंड अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम्स ऑफ 12.15%, मतलब दूसरी इनकम से 12.5, मतलब 12 करोड़ के आसपास इनका अर्निंग हुई है। तो हम देख लेते हैं ये सारा का सारा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं हम सीधे, सेल्स देखिए, सेल्स कंटिन्यूसली इनकी बढ़ती जा रही है, जो लास्ट क्वार्टर में केवल 93 थी क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद था, तो अभी कितना है 124, मतलब लगभग कह सकते हैं बहुत अच्छा ही यहाँ पर हुआ है। और लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में मार्च में अगर देखी जाए तो उधर से भी हमें जंप होता हुआ नज़र आ रहा है, सिंपल ये बात है। तो धीरे धीरे जैसे ही ओपन होता जा रहा है तो इसमें पिकअप आना शुरू होगा, पिकअप आना शुरू होगा तो डेफिनेटली इसका सेल्स भी होगी, सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली बात है शेयर का प्राइस भी भागेगा ही। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 110 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सपेंसेस भी हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 13.57 है। ओके, अदर इनकम से यहाँ पर कुछ इस बार कुछ नहीं आया है, और हम अगर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट लगभग 9 करोड़ रुपए कह सकते हैं कि इतने 9 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है। और EPS की अर्निंग पर शेयर कितना है, 8.80 रुपीज़ का इनका अर्निंग पर शेयर है, तो काफ़ी यहाँ पर जंप होती ही नज़र आ रही है। तो आगे जैसे ही ये ओपन होगा तो जो इसका प्राइस था कितना, जो मैंने आपको बताया था 300 के आसपास, ओके तो यहाँ पर तक ये पहुँच सकता है, मतलब 100 से 150 रुपये के आसपास आपको
प्रॉफिट विद इन फ्यू मंथ्स आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर आपको जो मैंने दिखाया था, CAGR आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया। रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स कंपनी के पास देखिए काफ़ी अच्छे हैं, जो कंटिन्यूसली 2014 से ही बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अभी कम से कम 150 करोड़ रुपीज़ के इनके पास रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग कंपनी के पास है, और बोरोइंग कितना है, 96 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग है, जो कि कंटिन्यूसली कम करते हैं। पहले 2019 में कितना था, 128, मार्च में 112 था, और सितंबर में उन्होंने कम करके 96 करोड़ रुपीज़ कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपीज़ का इनका इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती है कि कंपनी काफ़ी लायबल है, काफ़ी अच्छी है। आप इस पर आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं इसके बारे में। ओके, कैश फ्लो भी कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है, नेट कैश फ्लो लगभग 18 करोड़ रुपीज़ का है। ROCE ही मैंने आपको बता दिया है कि 21% का ROCE है, लास्ट ईयर से काफ़ी कम है, बट धीरे धीरे जैसे बिजनेस ट्रैक पे आ रहा है ये बढ़ता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, 2017 से ही ये प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंटिन्यूसली सेम ही है, बल्कि वो कहेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा दी है प्रमोटर्स ने। और बढ़ाई भी कब है, अभी बढ़ाई है ये आपके सितंबर जून में, मतलब हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी कह सकते हैं कि बढ़ा रहे हैं। DIS इसमें है नहीं, बट पब्लिक की होल्डिंग देखिए तो पब्लिक में बहुत सारी कंपनीज है। प्रियंका चिमनालाल शाह, इन्होंने अपनी 3% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो अलग अलग कंपनी ने अलग अपनी यहाँ पर हिस्सेदारी, रिटेल इन्वेस्टर में भी अलग अलग कंपनीज़ ने, अलग अलग लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो कह सकता हूँ कि ये कंपनी एज अ प्रॉफिट में आ सकती है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, बिजनेस ग्रो करने वाला है इनका, क्योंकि जैसे ही एक्सपोज शुरू होगा, ओके धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो आपको विद इन फ्यू मंथ्स ओके कितने 40-50% के रिटर्न्स आपको मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस कंपनी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ लीजिएगा। माइक्रो कैप कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया, जो कि ये चार्ट पैटर्न खुद आपको बताता है। बैलेंस शीट एंड ऑल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और क्या काम करती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।